लोकसभा चुनाव 2024 में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दे दी है। राहुल ने बहस की चुनौती लखनऊ में दी, लेकिन इस पर सियासत छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई। राहुल गांधी की चुनौती पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, हम हर विषय पर राहुल गांधी से बहस के लिए तैयार हैं। वो जब जहां कहेंगे हम बहस करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि मोदी जी से बात करने कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता भी तैयार है। 10 साल में उन्होंने क्या किया बताने की स्थिति में नहीं है वो। शिव डहरिया ने कहा कि धर्म, जाति, मंदिर के नाम से राजनीति करते हैं वो, जनता के लिए कुछ करने वाले नहीं है। खुद भागते हैं चर्चा से, हम एक एक विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। और आज तो कांग्रेस पार्टी न जनता का सामना कर पा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, प्रेस से भी बात नहीं किए। डरकर भागने वाले तो ये हैं, ये डरकर भाग रहे हैं, जनता से भी डर रहे हैं, मीडिया से डर रहे हैं और लोगों को डराकर वोट हासिल करना चाह रहे हैं। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। देखिए, मोदी जी से बहस करने के लिए हमारे कांग्रेस का एक सामान्य कार्यकर्ता भी तैयार है, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में क्या किया है वो बताने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने 2014 में, 2019 में जो घोषणाएं की थी उनका कहीं कोई पालन हुआ नहीं। वो जाति के नाम में, कभी धर्म के नाम में, कभी मंदिर के नाम में, ये भगवान के धंधा करने वाले लोग हैं और जनता के लिए कुछ करने वाले नहीं हैं।